माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो छोड़ के आप स्किप कर जाओ। तो अभी थोड़ी देर पहले चालान होते होते बच गया, साथ एक और गाड़ी चल रही थी उसका चालान हो गया और मैं साइड से बच गया। शुक्र है, बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ आज के दिन। अपनी होंडा सिविक ने तो कमर तोड़ के रख दिया, ऐसे कैसे झटके लगते हैं। तो यार इसमें अगर ये आप देख सकते हैं, आवाज मुसलसल आप सुन रहे हैं, हर तरफ रिक्शे ही रिक्शे। लगता है तो मेरी आंखें भी बड़ी मुश्किलों से खुलती हैं धूप में। सीखते हैं कहाँ पे हैं। जब भी आपने पेशावर आना हो शलवार कमीज आप लाजमी पहन के आएंगे, क्योंकि गंदे स्क्रैचेस पड़े थे तो बहुत कोशिश की लिए वो रिमूव नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली सिविक के सस्पेंशन में बस गुजारा करना पड़ता है। मैं जिसकी बात कर रहा था आप सुन सकते हैं, ये झटके आप देख सकते हैं सिविक में। तो यहाँ पे कुछ रोलिंग शॉट्स बना लेते हैं सेंटोरेस के सामने हम लोग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार जब भी कहीं जाना होता है सारी रात नींद नहीं आती, और जब सुबह उठने का टाइम होता है तो बहुत ही मज़े की नींद आती है। तो गाइस कुछ ऐसा सीन मेरे साथ भी हुआ है, सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह उठने का टाइम हुआ तो बहुत ही मज़े की नींद आई थी। फाइनली ऐसे तैसे करके उठ तो गए, तो जल्दी जाते हैं शावर लेके नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं पेशावर की तरफ। तो गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अच्छा तो गाइस फाइनली हम तैयार हो गए हैं, तो पेशावर जाना है। सोचा ऐसा गेटअप रख लूँ अपना शलवार कमीज में, समझ रहे हो। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग निकलने लगे। अब ज़रा चलते हैं गाड़ियों की तरफ, कंडीशन देखते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर है। सो गाइस फ़िलहाल तो ये मुझे काफ़ी गंदी लग रही है और चलते हैं हम इसमें, क्योंकि सिविक और करोला ही बेस्ट हैं डेली यूज़ और रफ़ यूज़ के लिए। तो फ़िलहाल हम लोग सिविक में ही चलते हैं। A few moments later. अच्छा तो यार एक और बात, अभी थोड़ी देर पहले चालान होते होते बच गया, साथ एक और गाड़ी चल रही थी उसका चालान हो गया और मैं साइड से बच गया। शुक्र है, वैसे तो चालान होते रहते हैं मेरे, लेकिन इस दफ़ा मैं बच गया। पता नहीं, बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ आज के दिन। तो अब ज़रा आराम आराम से चलते हैं, ऐसा ना हो आगे फिर से कोई इंतज़ार में हो। वैसे तो हमें चाहिए कि इन्होंने जो लिमिट रखा हुआ है उस लिमिट पे हमें चलना चाहिए, लेकिन हम ज़रा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भाई बस हम 150-160 में चलते रहें। वैसे तो ओवर स्पीडिंग मैं भी करता हूँ, लेकिन हमें एहतियात करना चाहिए और आज जो है एहतियात में कर रहा हूँ। तो फाइनली हम लोग पेशावर पहुँच गए हैं और यहाँ पे इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी है कि मैं बता नहीं सकता भाई। इस्लामाबाद में ऐसा यख मौसम छोड़ के आ गए थे, हमें लगा कि यहाँ भी बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही गर्मी है भाई। अच्छा एक और बात, अपनी होंडा सिविक ने तो कमर तोड़ के रख दिया है। 1.5 घंटे सफ़र करके आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 10-12 घंटे में चल के आया हूँ। यकीन माने बहुत थके नहीं इस गाड़ी में, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन की वजह से। इसीलिए तो मुझे जापानी गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लाइक क्राउन, मार्क एक्स और अपनी मार टू, इस टाइप की गाड़ियाँ बड़ी मज़ेदार और मज़े की चस वाली राइड देती हैं। लेकिन ये गाड़ियाँ जो हैं दिखने में प्यारी हैं, लुकिंग वाइज बस शशके शशके हैं, लेकिन अंदर चलो आप तो थकन ही थकन है भाई। और ऊपर से पेशावर की ड्राइविंग, रेश ड्राइविंग, स्पेशली रिक्शे वाले जो हैं वो तो कुछ देखते नहीं है भाई, अपने आप को बचाना पड़ता है। इधर हर तरफ रिक्शे ही रिक्शे, इधर से कोई घुस रहा है, उधर से कोई घुस रहा है, बस घुसे जा रहे हैं सबके सब। तो अपना रास्ता खुद ही निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किलों से। ठीक है ठीक है समरिया। एक तो मैं जिगजैग ज़्यादा करता हूँ, तो बड़ी मुश्किलों से जिगजैग कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। पता नहीं अगर नॉर्मल ड्राइव करते आता तो पता नहीं कहाँ होता मैं पीछे। बहुत तेज हो रहा है। तो खैर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे काम था एक, तो वहाँ पे आ गए हैं, पहुँच गए हैं मंजिल पे। तो काम होगा जब तो वापसी होगी शाम तक इंशाल्लाह। अच्छा तो यार धूप भी ज़्यादा है, बहुत तेज़ है धूप, तो ज़रा ग्लासेस ढूंढते हैं। वहाँ से तो बड़ी मुश्किलों से विदाउट ग्लासेस मैं हूँ, विदाउट ग्लासेस में बंदा आँखें भी नहीं खोल सकता। एक तो मेरी आँखें भी बड़ी मुश्किलों से खुलती हैं धूप में स्पेशली। अब ज़रा ग्लासेस ढूंढते हैं, पता नहीं इधर उधर कहीं होंगे कहीं पे। देखते हैं कहाँ पे हैं। अच्छा जी मिल गए हैं ग्लासेस, जरा ऐसी पहन लेते हैं। कैसा लग रहा हूँ भाई कमेंट जरूर करना। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। अच्छा तो यार एक और बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, जब भी आपने पेशावर आना हो शलवार कमीज आप लाजमी पहन के आएंगे, क्योंकि आप इधर उधर देखो ना सारे के सारे शलवार कमीज में होंगे, हयातबाद वाली साइड पे और अपना जो है सदर वाली साइड पे है वहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन बाकी जितने भी एरिया से सारे के सारे शलवार कमीज में आपको नजर आएंगे। एक बंदा आपको पैंट शर्ट में नजर नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी मैं जब भी आता था शॉर्ट्स में आता तो इतना कोई ऑकवर्ड सा मुझे लगता था, मैं गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलता था, बड़ा अजीब सा लगता था। धीरे धीरे आदत सी होगी, अब तो जो है शलवार कमीज में आते हैं।
अच्छा तो यार लास्ट व्लॉग में मार्टू के जो स्क्रैचेस लगे थे जो मैंने आपको दिखाए थे वो बहुत ही कोई गंदे स्क्रैचेस पड़े थे, तो बहुत कोशिश के लिए वो रिमूव नहीं हुए। उसके बाद मुसलसल बारिशें हो रही हैं तो मैं वो काम नहीं करा सका बारिशों की वजह से। मैं भी अभी भी हो रही होगी इस्लामाबाद में बारिश, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि उसी का काम हो और बढ़िया काम हो, क्योंकि मैंने एक पेंटर से मशवरा लिया था तो उसने मुझे बताया कि उसने मुझे एडवाइस दिया कि यार इसको फुल कंपाउंड करवाओ क्योंकि काफ़ी आगे पीछे स्क्रैचेस काफ़ी लगे थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है फुल लश कंडीशन में लेके आऊँ, अपनी कंडीशन में जैसे पहले थी स्टार्टिंग में। और अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, और इधर उधर आप देख लें आई बटन पर कहीं पर लिंक आपको नज़र आ जाए तो लाजमी देखें वो वीडियो। तो उसके साथ साथ बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है, ऐसे से रिम ऐसे टायर में लगाऊंगा कि आप तकते रह जाएंगे। क्या 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 क्या। और साथ साथ यार एक ही जगह पे बैठ के मैं आप लोगों को बातें सुनाई जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप वीडियो छोड़ के आप स्किप कर जाओ, तो इसलिए बेहतर है कि मैं आगे कुछ और दिखाऊँ। आप लोग मेरे साथ जुड़िए रहेगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अच्छा तो यार मेरा मोबाइल जो है वो बंद होने लगा था, चार्ज थोड़ा सा रह गया था, चार्जर भी मैं भूल आया था तो मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सका वहाँ से आगे। तो अभी एक ऑफिस में गए हुए थे, वहाँ पे काम शाम तो हो गया, मुकम्मल कंप्लीट हो गया काम सा। तो अभी हम लोग निकल गए हैं इस्लामाबाद की तरफ, पेशावर में मैं चल रहा हूँ इस वक्त। बाहर तो बहुत गर्मी है, आई होप कि इस्लामाबाद पे बारिश हो रही होगी तेज और वहाँ जाने तक बहुत ही मजे का मौसम होगा इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो यार हम लोग पहुंच गए हैं पेशावर टूर प्लाजा पे, इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो है हमारा सफर का आगाज हो गया है, तो अब जरा आराम आराम से चलेंगे इस्लामाबाद। तो ये मैं जिसकी बात कर रहा था आप सुन सकते हैं, ये झटके आप देख सकते हैं सिविक में कैसे कैसे झटके लगते हैं। तो यार इसमें अगर ये आप देख सकते हैं आवाज मुसलसल आप सुन रहे हैं, झटके इसके खत्म ही नहीं हो रहे, इसी की मैं बात कर रहा था। तो सस्पेंशन का बड़ा इशू है, ये लोकल गाड़ियों में बड़ा अनकंफर्टेबल बंदा रहता है। तो अगर ये क्राउन मार्क एक्स में अगर कोई मार्टू में चल रहे होते तो बड़े मज़े से चल रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिविक के सस्पेंशन में बस गुजारा करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अभी मोटरवे पे हम लोग चढ़े हैं, तो इस्लामाबाद हम पहुँच जाएंगे कुछ देर तक। One hour later. अच्छा तो यार मैंने कहा था कि इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा मौसम होगा इंशाल्लाह, तो वाकई में ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम है आप देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे अपना भाई आ गया है उससे जरा गाड़ी एक्सचेंज करते हैं। फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मौसम है। तो अभी ये स्विक जो है अपने भाई को पकड़ाते हैं, वो मार्क टू लेके आ गए हैं, तो ज़रा वो लेके मैं घर जाऊँगा, रेस्ट मारते हैं और सुबह के निकले हैं। और यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं इस वक्त, तो ये भाई भी आ गए हैं अपनी मार्टू लेके, तो ज़रा निकलते हैं। और ये अपनी सिविक को आप बाहर से देख सकते हैं, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही है। तो यार मैंने सिर्फ सस्पेंशन की बात की लेकिन सिविक तो सिविक है यार, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर हो सकती थी, पता नहीं ऐसा क्यों बना है। तो यार फाइनली हम निकल गए हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ रोलिंग शॉट्स बना लेते हैं सेंटोरेस के सामने। हम लोग चल रहे हैं, मौसम भी बड़ा प्यारा है, मुझे लग रहा है कि आगे बारिश हो रही होगी लेकिन इस साइड पर नहीं हो रही, तो आई होप कि आगे बारिश हो और इन्जॉय करें हम लोग। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि बारिश होगी इंशाल्लाह, तो देख सकते हैं बारिश होने लग गई है यहाँ पे। आए 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 मजे आए, और काफी रश लगा हुआ ये फ्लाईओवर के नीचे, लोग भी देख सकते हैं काफी जमा हो गए। और वैसे भी बारिश जब होती है इस साइड पे तो लोग जो है सारे बाइक्स वाले सारे के सारे जो है जितने भी हैं वो फ्लाईओवर के नीचे खुद को बचा लेते हैं बारिश से। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस व्लॉग्स में बनाता रहूँगा। आगे आगे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स आने हैं मेरे, तो मेरे साथ जुड़िए रहेगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।